प्रेजेंट टीचर। वेलकम बैक चैंपियंस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कि कैसे हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस ईयर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं हम लोग और जानते हैं कैसे हम लोग उसी तरह से हम लोग रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इंटीजर मैंने लिखा था, ठीक है ना। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक कोई पॉइंट लेते थे जिसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके राइट साइड में हम लोग उसे क्या करते थे, हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स को लिखते थे हम लोग और लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को राइट करते थे। कैसे हम लोग करते थे, तो एक यूनिट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस को क्या करते थे, पॉइंट्स को राइट करते थे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कहां से करते थे, जीरो के बाद राइट साइड में 1 2 3 4 और लेफ्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, उस इतना ही इक्वल डिस्टेंस हम लोग, जो कि इसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस भी बोलते हैं, हम लोग सेम डिस्टेंस पे क्या करेंगे, हम लोग मार्क कर देंगे सारे पॉइंट्स को और स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? नाउ जब हम ये इंटीजर को पढ़ते हैं रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो हम लोग के माइंड में कभी कभी सवाल आता है कि ये जो बीच में जो पॉइंट्स है इसके लिए लाइन है, तो लाइन क्या होता है, पॉइंट से मिलकर बना होता है, राइट। तो ये जो मिडिल में जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली किस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इस क्या कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस एक्चुअली सवाल का कुछ हद तक आंसर्स जानेंगे। ओके, और हम देखेंगे कि कैसे जो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली इन सारे नंबर्स के बीच के कुछ पॉइंट्स को के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अंडरस्टूड? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो कि रैशनल नंबर में ये फॉलो होता है, तो इंटीजर के साथ क्या होता है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर से करस्पॉन्डिंग क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। एक पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। और ये होता क्या है, बेसिकली ये वन जो है जितना दूरी पे जीरो से है उतना ही -1 जीरो से उतना ही दूरी पे होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये जो है डिस्टेंस जो है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा आपको, 10 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस तरह से जितने दूरी पर 2 है जीरो से उतने ही दूरी की -2 है जीरो से। अंडरस्टूड? तो बेसिकली क्या है, ये जो बेसिकली एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो है ना, बेसिकली क्या होते हैं, जीरो से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर मान लीजिए कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो -4, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं क्या है कि पहले 4 को रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीजर को और उतना ही डिस्टेंस पे हम लेफ्ट साइड पे हम मार्क कर देंगे जीरो से, तो क्या होगा, वो जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, -4 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सेम हम लोग रैशनल नंबर्स के केस में हम देखते हैं, हम लोग क्या, हम लोग ये देखते हैं कि हर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। ओके, इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/2, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव होता है रैशनल नंबर -2। ओके, मान लीजिए 4/6, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -4/6। अंडरस्टूड? तो ये मतलब क्या है, एक दूसरे का क्या है करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, रैशनल नंबर है। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब क्या है कि जितने दूरी पे ये नंबर होगा जीरो से, उतने ही दूरी पे क्या होगा, ये होगा जीरो से। बस फर्क क्या होगा कि ये नंबर जो है जीरो से राइट साइड में होगा और ये नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज हम लोग ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? और चलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ये 3 एग्जांपल से कैसे हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे हम लोग किसी भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, -1/2 और 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो करें क्या, हम लोग पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ओके, एक पॉइंट लेंगे मिडिल पॉइंट जिसको हम लोग जीरो बोलेंगे। अंडरस्टूड? अब देखिए 1/2 को मुझे सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना। ओके, तो देखिए जब भी किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मुझे पहले मुझे फाइंड करना होगा कि वो रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है। अंडरस्टूड? पहले रिप्रेजेंट करने से अगर पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है। तो अगर आप देखते हैं 1/2 बेसिकली क्या, ये 1 से छोटा है, राइट, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, राइट। कैसे आप एक चीज और कर सकते हैं, आप 1 को डिवाइड कर दें 2 से, आपको डेसिमल में जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बेसिकली 1 से कम होगा, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं।
और हम लोग देख रहे हैं क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑल ऑफ वैल्यू क्या होगा, जीरो से वन के बीच में ही रहेगा राइट। तो मुझे पता चल गया कि वन और टू क्या है, जीरो और वन के बीच में कहीं पे है ठीक है ना। अब मिडिल में है, लेफ्ट में है, कहां पे है वो हम पता लगाएंगे ठीक है। तो मुझे पहला क्या पता चला गया कि वन अपॉन टू जीरो और वन दो इंटीजर्स है उनके मिडिल में है ओके, यानी कि दो राशियों के बीच में है ठीक है। अब ये मुझे पता लगाना है कि वन अपॉन टू किस कहां पॉइंट पे होगा ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग ये जो लेंथ है ना, ये जीरो से वन जो लेंथ है कितने को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो बताएगा मुझे डिनोमिनेटर बताएगा ठीक है। डिनोमिनेटर क्या लिख रहा है यहाँ पे, टू लिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लेंथ को हम लोग टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ओके। तो अब देखिए किसी भी लाइन को अगर और किसी भी मान लीजिए स्टिक को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कितना बार कट करते हैं, तो वन टाइम करते हैं राइट। अगर कोई स्टिक को मान लीजिए थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीन भाग में बांटना है, मैं कितना बार कट करूंगा, वन टू बार राइट। तो कहने का मतलब है कि ये चीज याद रखिएगा, जितने पार्ट्स में बांटना होता है ना डिस्टेंस ये चीज को ठीक है ना, उससे कम बार हम कट करते हैं अंडरस्टूड। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो क्या करेंगे हम लोग एक बार कट करेंगे इसके बीचों बीच अंडरस्टूड। अब मुझे जाना कहां पे है, मुझे तो एक पार्ट पे जाना ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और ये एक पार्ट में दूसरा पार्ट में जाना कहां पे है, तो वन पार्ट, तो यहां पर मैं वन पार्ट पे चला जाऊंगा ओके। तो ये जो पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वन अपॉन टू अंडरस्टूड। अब माइनस वन अपॉन टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका दो तरीका है, क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको इस लेंथ को मेजरमेंट कर दें और इधर मैं कट कर दूंगा ठीक है, वो पॉइंट जो मिलेगा होगा वो माइनस वन पॉइंट टू होगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, मेरा पता लगा कि माइनस वन अपॉन टू बेसिकली किस तीन दो इंटीजर्स के बीच में है अंडरस्टूड। तो आपको पता चलेगा क्या कि फिर अगर मान लीजिए इसको भूल जाए हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, वन अपॉन टू है क्या है, तो जैसे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा वैल्यू वो माइनस वन और वन के बीच में होगा, माइनस वन और जीरो के बीच में होगा अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। अब मुझे कितना इक्वल पार्ट डिवाइड करना है, तो पता है मुझे डिनोमिनेटर, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं एक बार कट करूंगा, तो मैं एक बार कट कर दिया। इस डिस्टेंस को मैंने कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल, वन पार्ट और दो, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल पार्ट है। मुझे जाना कहां है, तो मुझे एक पार्ट पे जाना है, तो मैं कहूंगा इधर लेफ्ट जाऊंगा, माइनस में इसलिए मैं लेफ्ट जा रहा हूं ठीक है। माइनस मुझे बताया कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है अंडरस्टूड, तो माइनस को लेफ्ट में जाना है, ये क्या होगा मुझे माइनस वन अपॉन टू पॉइंट मिल गया अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 15 अपॉन 4 है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 1 से बड़ा है, प्लस है, इसका मतलब राइट साइड में है। तो मुझे दो चीज पता चल गया, तो राइट साइड में है और 1 से बड़ा है। अब 1 से कितना बड़ा है, तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर जो है तीन दो इंटीजर्स के बीच में है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कर देखिए, रैशनल नंबर इज जस्ट लाइक फ्रैक्शन ठीक है ना, बस रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं अंडरस्टूड, नेगेटिव जो है वो साइन वाला नंबर भी आ जाता है अंडरस्टूड। तो जो भी हम लोग आगे चलते जो भी हम लोग एडिशन सबट्रैक्शन जो भी पढ़ेंगे ना हम लोग, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है किसी तरह जब हम लोग दो फ्रैक्शन की बात करते हैं अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी मान चले कि ये क्या तरह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह काम कर रहा है ठीक है ना, इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं इसको बोलूं इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है ठीक है, और इसको मैंने मुझे मिक्स्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करूं, मैं 4 से डिवाइड करूंगा 15 को, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना हो गया 3 और 4 नीचे आ गया ठीक है। अब ये बराबर क्या है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, जैसे जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स रैशनल में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या है 3 प्लस 3 अपॉन 4 है अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या है, ये पार्ट जो है इसलिए यहाँ पे क्या है इंटीजर पार्ट है, और ये क्या है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल नंबर का पार्ट है अंडरस्टूड। तो इसको मैं लिखता हूँ 3 प्लस 3 अपॉन 4 ओके ना। अब देखिए ये पार्ट जो मुझे मिल गया, क्या ये इसमें क्या है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब क्या है ये 3 पर क्या है 1 से छोटा है राइट। अब देखिए जब मैं इस पूरे नंबर को देखूंगा तो ये क्या हो गया यहाँ पे 3 प्लस समथिंग जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है ये टोटल वैल्यू क्या हो गया 4 से छोटा होगा राइट, बट 3 प्लस समथिंग इसका मतलब 3 से बड़ा होगा राइट। तो मुझे क्या पता चल गया इससे कि ये बेसिकली नंबर जो है ना वो 3 से ये बेसिकली नंबर जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ठीक है, कि ये नंबर लाइन जो है ना वो एक्सटेंड करता है इनफिनिटली मेनी ओके
मतलब उसका लेंथ होता है इन्फिनिट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे जाना, मुझे क्या, मुझे ये पता चलता है कि 3 और 4 के बीच में है तो मैं 0 को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 अगर मान लीजिए मैं 3 लिख दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं 3 लिखता हूँ और मैं यहाँ पर मान लीजिए 4 में लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, 0 कहीं लेफ्ट में होगा तो होगा, क्योंकि आप ये फिक्स लेंथ तो है नहीं। ये क्या बेसिकली, ये क्या है, आपको नंबर लाइन है और लाइन का लेंथ कुछ होता है क्या, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता फिक्स, राइट। तो मैं इसको मैं मान चल रहा हूँ कि इधर देखो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 हो गया, राइट, अंडरस्टूड। क्यों क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास नोटबुक होता है ना उसमें क्या होता है लेंथ छोटा होता है तो हम पूरे नोट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे पता चल गया कि जब ये नंबर जो है ये 3 और 4 के बीच में, तो मैंने 3 लिख दिया और 4 लेफ्ट लिख दिया, ठीक है ना। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना ही डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस मान लीजिए कि ये जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में क्या होगा 2 होगा, उसके 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में क्या होगा 1 होगा, उसके 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में क्या होगा आपको 0 होगा, और इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा लेफ्ट में, और उस तरह से राइट में भी चलता जाएगा। बट मुझे फोकस किस पे करना है, 3 और 4 के बीच में करना है, अंडरस्टूड, समझ आ गया एक बात। अब देखिए मुझे मैं मुझे ये पता चल रहा है कि 3 प्लस समथिंग है, मतलब मुझे 3 पर तो पहुंचना ही है, राइट। ये नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि नंबर जो है इसका मतलब क्या होगा, ये जो है 0 से इस पॉइंट पहुंचना है, तो मैं कहां पर पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी, 3 पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, आप यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। 0 से आप 3 पहुंच चुके हैं, आपको 3 से और आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है वो दिखा रहा है क्या, 3/4। अब करें क्या हम लोग, इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 टाइम्स कट करेंगे। तो चलिए 3 टाइम्स कट करते हैं हम लोग ऐसे, आपको स्केल का यूज करके क्या करना है, इसको कट करना है, अंडरस्टूड, ऐसे कट करना है कि ये डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सॉरी ना, मुझे करना क्या है, 3 और 4 के बीच में मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, अंडरस्टूड। मैं कितना करूं, मैं 3 बार कट करूंगा, ठीक है। तो 3 बार कट करूंगा तो मैं 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स, मैंने 3 टाइम्स कट कर दिया, तो देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में मुझे मिल गया है। आपको करना क्या है, इसलिए आपको स्केल का यूज करना है और ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि ये सारे पार्ट्स का इक्वल हो आपस में, अंडरस्टूड। अब ये मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मुझे पहुंचना कितना पार्ट्स पे, तो मुझे 3 इक्वल पार्ट्स पे पहुंचना, थर्ड पार्ट पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो मुझे ट्रेवल कितना करना है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो मैं किस पॉइंट पहुंच गया हूं, बेसिकली ये कितना पे है, तो 3, तो मैं ऑलरेडी 0 से आ चुका हूं, प्लस अब मुझे और मैं कितना चला हूं, तो 1 2 3 पार्ट, आउट ऑफ 4 पार्ट मैंने 3 पार्ट चला है, क्या 3/4, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 15/4 लिख सकता हूं, अंडरस्टूड, समझ में आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग और आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट मैंने नेगेटिव रैशनल नंबर लिया है, इसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको मिक्स में, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 15/5, ओके। नाउ इसका मतलब ये बराबर किसके बराबर में होगा, तो -3 -1/5। देखिए जब यहाँ पे जब मान लीजिए पॉजिटिव हो तो मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, जब यहाँ पे नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, अंडरस्टूड। आप देख सकते हैं, जब इसको आप दोनों को ऐड करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे हम लोग देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये आपको इस यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये बराबर ये मैंने लिख दिया। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन मुझे फाइंड करना था कि ये रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है, तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि बेसिकली ये क्या है, -3 मतलब -3 से भी और छोटा जाना है मुझे, तो -3 छोटा क्या होता है, 4 होता है, बट क्या ये 1 है, क्योंकि -3 -1 कितना होता है, -4 होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, 1 से -1 से छोटा है, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा जो रैशनल नंबर है बेसिकली क्या है, -3 और -4 के बीच में है, ओके। अब फिक्स में क्या करना है, 0 को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, ना मैं -1 को, मैं -2 को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, तो मैं -3 और -4 को रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये रैशनल नंबर है जो -3 और -4 के बीच में है। कैसे पता चल गया है, हमने किया इस तरह से, और हमें ये पता चल रहा है कि सर ये वैल्यू क्या है, ये 1 से छोटा है, ओके, इसलिए माइनस में ये वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा होगा, तो -3 प्लस समथिंग विच इज स्मॉलर देन -1, तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इधर आएगा कहीं पे,
इस थ्री और माइनस थ्री और माइनस फोर के बीच में कहीं कहीं होगा राइट। अब मुझे देखिए, अब मुझे करना क्या है, इसके लिए मुझे ये चीजें चल रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ जीरो से, ओके। मुझे अब और कितना चल रहा है, मुझे माइनस वन अपॉन फाइव मुझे और लेफ्ट चलना है। देखिए माइनस मतलब क्या, लेफ्ट जाना है, और वन अपॉन फाइव मतलब मुझे कितना पार्ट में जाना है। तो पहले मैं पास इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दूंगा राइट, डिनोमिनेटर फाइव है तो फाइव पार्ट से डिवाइड कर दूंगा और मुझे वन पार्ट में लेफ्ट जाऊंगा, ओके। तो फाइव इक्वल पार्ट से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर पार्ट मुझे फोर बार कट करना है। चलिए कट करते हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस क्या हो गया, कितना पार्ट हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इक्वल पार्ट हो गया। आपको यहाँ पे देखिए चल रहा है कि जो एक पार्ट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, आपको ये चीज लेके चल रहा है। अब देखिए मुझे जाना कितना है, ट्रेवल कितना करना है, तो वन पार्ट मुझे लेफ्ट जाना है, तो मैं कहा चलूंगा, यहां पर चलूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मुझे मिल गया, ये मुझे पॉइंट मिल गया माइनस थ्री माइनस वन अपॉन फाइव, या फिर मैं इसको लिखू माइनस सिक्सटीन अपॉन फाइव। तो इस तरह से आप जो है किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को और किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अंडरस्टूड, आपको ध्यान क्या रखना है, तो पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली वो नंबर जो है किन दो रैशनल नंबर्स के, किन दो इंटीजर्स के बीच में है, अंडरस्टूड। और फिर आपको करना क्या है, आपको जो इन प्रॉपर सॉरी जो मैं प्रॉपर पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, अंडरस्टूड, उस पार्ट को आपको देखना है, उसके डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है उस पार्ट को, उस इंटीजर के पार्ट को बिटवीन को। और फिर चलना कितना आपको, तो न्यूटन जो दिखा रहा है उतने पार्ट आपको चलना होगा, ठीक है ना। लेफ्ट चलना है वो बताया कि नेगेटिव साइन है, अगर अगर पॉजिटिव साइन है तो आपको राइट जाना होगा, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।